आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। चार कलश लीजिए और चार कलश से इच्छा अभिषेक करें।
இஷ்டை மனோரதச தைரி விபாக பொன்சாம் கோடேஷ வர்ணக்கலை சேனிக்கலை விசானே சன்சார சாகர விலங்க நினைந்து சேத்தோ மப்லா பயிற்றோ மனைக்கு பட்டு மிச்சினேந்திரா ஓம் ரீம் ஸ்ரீம்
आर्जुन कुमार जैन सपरिवार से सचिन कुमार राधे कुमार जैन सपरिवार से उपस्थित सभी जना सपरिवार से मंचे पर परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज सपरिवार से पुष्टि रस्तो समृद्धि रस्तो कल्याण मस्तो हे भजन रस्तो दीर्घायु रस्तो कुलगोत्र धनादि सदा संतो शतधन श्री बलायुश्वर आदि वृद्धि रस्तो ओम ह्रीं श्री क्लीं मे मरमस्य औसना विज्ञान मूलिंत्रण ब्रह्म सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री जलंतम कक्षियाय सप्पायनंदो यान भूयान जीवा विवादिवर अंगडेवर अंगडेवर थकडेवर मोहडेवर सब जीव संतानम प्राजित भवतु मे रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा संपूजिकाना प्रतिपालिकाना यति दृसामानता बोधनाना देश श्रेष्ठ सिपुरा सिराख्या करो तो शांति Thank you.
स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्तिताय स्वस्ति प्रकाश सहजो चित्रणमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता बुद्ध वैभवाय स्वस्ति छलद विमल बोध सुधा प्रवाय स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभासिलाय स्वस्ति त्रिलोक वितितै किचिदत गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय स्वस्ति श्रीवासव भोजन श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति सत्य शिशंकिनाता श्री पंथ स्वस्ति सत्य सिद्धनाता श्री वल्ली स्वस्ति सत्य श्री मंजोलिता श्री नामी स्वस्ति सत्य श्री देवीनाता श्री पार्व स्वस्ति सत्य श्री वर्धिमाना महावेदांग दिग्गो भारत स्वस्ति क्रिया सो परमर्षियो ना जयली देव सात गुरु भगवान की जय अगले ही पेज पर पूजा
Oh,
Thank you.
शरण शरण में आ ही गए हैं ओ मेरे दिल पर आतिश पर ओ आतिश पर दर्शन दो परमेश्वर Thank you.
आइए इसे लॉन्च जो करते हैं तन श्रृंगार रहित होकर बाईस परिश्रय सहते हैं सयातम कल्याण करे पर को आगे बताते और सुल जाते जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर जी कहलाते हैं ओम हिरण्य व्रजता प्रभु के संस्कार प्रणता ज्ञान योगी गुरुदेव सौरभ सागर मुनिन्द्राय नमः अनर्क मत प्राप्ति जलादि फलादि अरहं प्रभवागति तो हे गुरुदेव नमोस्तु हे गुरुदेव नमोस्तु ज्यादा पूजा करने वाली कौन है बहने हैं कि अम्माएं हैं जबरदस्ती कुछ भी बताते हो ज्यादा पूजा करने वाली कौन है अम्माएं बोलो महिला क्यों बोल रहे ज्यादा पूजा करने वाली शब्दों में ऐसे ही प्रयोग होता है वो तो अपन फालतू में लेडीज और जेंट्स का झंझट डाल देते हैं लेकिन ये शब्द है और शब्द में एक शब्द दे दिया भव त्रासित आकुलित रहे भवि भव त्रासित मतलब भव त्रासित मतलब क्या होता है बताओ परेशान त्रसित मतलब परेशान किससे परेशान भाव से परेशान हो आप लोग एक भी नहीं कोई परेशान नहीं है वो तो जबरदस्ती रोना रोते रहते हैं बस आदत से पड़ गई क्या पड़ गई है आदत से पड़ गई है अन्यथा आज के जमाने में दुखी लोग कम हैं। आप महसूस करोगे तो आज के जमाने में दुखी लोग बहुत कम हैं। आज का जमाना इतना सुख का है कि कहा नहीं जा सकता 25-50 साल पहले चले जाओ कितने दुखी थे 70 साल पहले चले जाओ तो और ज्यादा दुखी थे एक घर में टिकना ही भारी था रोटी का मिलना भी भारी था और एक ही कपड़े को लेकर के सालों साल तक काम चलाना पड़ता था 47 से पहले कितनी सारी दुर्दशाएं थी आप देखो जब चाहे तब आक्रमण जब चाहे तब घर छोड़ो जब चाहे तब भूखे पेट निकल जाओ जब चाहे तब कहीं पर छुप जाओ किसी मकान में किसी सराय में रह करके रोटी कपड़ा और मकान की सबसे ज्यादा दिक्कतें उस समय थी सामान घर में था लेकिन उपयोग की क्षमता नहीं थी आज का युग बहुत अच्छा है रोटी कपड़ा और मकान परिपूर्ण है किसके पास कमी आप देखो आप अपने ही जीवन में 25-50 साल पीछे चले जाओगे तो आपको ही महसूस
होगा, तीन कपड़े में आपके पूरे काम चल जाते थे, चलते थे कि नहीं? अक्सर करके थोड़े आगे बढ़ गए तो पांच कपड़े में चल गए, एक घर का हो गया दो, एक मंदिर का हो जाता था और एक दिखाने वाला हो जाता था। बच्चों का देखोगे तो तीन कपड़े में काम, दो घर के हो जाते थे, एक स्कूल ड्रेस में काम चल जाता था, और कुछ भी तो नहीं था। और सारी चीजें परंपरागत चलती थी। अगर पिताजी ने पैंट शर्ट पहना है तो पैंट काट करके लड़के का हो जाता था, काट के हो जाता था कि नहीं? फुल पैंट हाफ पैंट में बदल जाता था, और हाफ पैंट तो बच्चे पहनने के काम आ जाता था, और उसके हाफ जो पांव कटे थे वो स्कूल का बस्ता सब्जी लाने का थैला बन जाता था। अरे हम लोगों ने देखा है और पहना है। वही कपड़ा बर्बाद होता था जो घिसते घिसते पीछे से फट जाए। कितना काम लेते थे आप, इतना अच्छा काम चलता था कि बचत का तरीका उस समय था, बर्बादीकरण कुछ भी नहीं था, क्योंकि वस्तु की कीमत मालूम थी। किसकी कीमत? वस्तु की कीमत मालूम थी। आज वस्तु की कीमत नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत है। क्या है? क्या है? किस्मत है कि आज छोटे बच्चों को भी पांच पांच दस दस बीस बीस ड्रेस पड़ी है, इसीलिए आजकल आप दुखी नहीं हो। दुखी अगर आप हो सर्वाधिक तो केवल मन से हो। मन की आकांक्षाओं को थोड़ा विराम दे दो तो जितना आपके पास है उतने में आपका पूरा जीवन आराम से चल सकता है। इसीलिए पूजा में अपन भगवान के सामने रोना तो रोते रहते हैं, लेकिन भीतर से अगर आप देखोगे तो कोई भी भाव त्रसित आकुलित नहीं है। है क्या कोई? लेकिन भाव त्रसित आकुलित कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? भावी। क्या है भावी? मतलब भव्य जीव। कौन सा जीव? कौन सा जीव? और भव्य जीव किसे कहा गया है? जिसको भगवान बनने की इच्छा है वो कौन सा जीव है? वो कौन सा जीव है? शास्त्रों में परिभाषा दी है, निर्वाण पुरस्कृतो भव्य। भव्य की क्या परिभाषा दी है? जो निर्वाण को पुरस्कार में चाहता है। और बच्चा पढ़ाई के बाद क्या चाहता है? क्या चाहता है? पुरस्कार चाहता है। और पुरस्कार मिल जाता है तो आगामी पढ़ाई और ज्यादा अच्छी करता है कि नहीं? तो ये श्रावक भी जो होता है, भव्य भी जो होता है, वो पुरुषार्थ करता और कहता, भगवान मैं आपकी भक्ति पूजा कर रहा हूं तो मुझे पुरस्कार में क्या चाहिए? निर्वाण। क्या चाहिए? निर्वाण चाहिए। लेकिन आपको नहीं चाहिए, मुझे पक्का विश्वास है। किसी को भी मोक्ष नहीं चाहिए, तो केवल कहने में ही अच्छा लगता है, बाकी सबको सांसारिक सुख चाहिए। लेकिन जब तक सांसारिक सुख चाहते हो तब तक क्या हो? भव्य तो हो, लेकिन भव्य में मिथ्या दृष्टि हो। कौन सी दृष्टि हो? कौन सी दृष्टि हो? तो आप इस परिभाषा को देखोगे तो जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं वो कौन बैठे हैं? अधिकतर कौन बैठे हैं? इतना करने के बाद भी क्योंकि जीते उसी में हो। भगवान के सामने तो बोल देते ना, भविजन को भव कूपते तुम ही काढ़नार दीन दयाल अनाथ पति।
है? कह करके देखो भगवान को, यूँ हिंदी में कह करके देखो, बोल करके कि भगवान मैं अनाथ हूँ और आप मेरे पति हो, बोल के देखो। एक भी नहीं बोल पाएगा, किसी की हिम्मत हो तो बोलना, लेकिन यूँ में सब चल जाता है, ताली में सब चल जाता है। बोले किसको कोई, क्योंकि कोई अर्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देता। भव कूपते और भव त्रसित, भव बंधन, भव पीड़ा, भव भवांतर, ये सब आप लोग रोज बोलते हो मंदिर में जा करके, लेकिन कभी भी अपने भाव का ख्याल नहीं आता। जिस दिन अपने भाव का ख्याल आएगा उस दिन आपके भाव बदल जाएंगे। क्या बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा? और भाव बदलते ही भाव फिर से बदलने लगेगा। क्या बदलने लगेगा? अब देखो चढ़ा तो रहे जल, क्या चढ़ा रहे हैं? जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या बोल करके, हे प्रभु मैं भाव से परेशान हूँ, आकुलित व्याकुलित हूँ, इसलिए आपके पास भव्य जीव बन करके, कौन सा जीव बन करके, भव्य जीव बन करके आया हूँ, और ये विचार से आया हूँ कि भाव त्रसित, जो भाव का दुख है वो बहुत कठिन है, मुझे हमेशा परेशान करता है, इसलिए क्या कर रहा हूँ उसको मिटन, मिटाने के लिए, क्या करने के लिए? अब भाव को मिटाने के लिए पहले नंबर पे कह दी पूजा। क्या कह दी, क्या कह दी? पूजा। और सिखाया ही जाएगा आपको, कोई भी साधु आ जाए, कोई भी शास्त्र पढ़े, आपको जब भी कोई धार्मिक शिक्षा देगा तो सबसे पहले यही देगा, तुम किसके पास आओ, किसकी पूजा करो, जब भी परेशान हो तो किसको याद कर लो, इसके अलावा कोई शिक्षा नहीं देगा। और ये शिक्षा भारतीय लोगों के हृदय में इतनी गहराई से प्रवेश कर चुकी है, किसके जीवन में, हम भारतीयों के जीवन में इतनी गहराई से प्रवेश कर चुकी है कि जब कभी भी आप दुखी होते हो तो क्या बोलते हो, हे भगवान, और आगे क्या बोल देते हो, तू मुझे उठा ले, ये भी बोलते हो, हे भगवान केवल नहीं बोलते हो, हे भगवान तो तब बोलते हो जब कोई गड़बड़ करता है, हे भगवान, और जब खुद दुखित होते हो तो हे भगवान तू मुझे उठा। कितने भीतर से भरे हुए रहते हो भगवान के प्रति आस्था से, ये शब्द जो है ना छुपी हुई आस्था का है, नहीं तो दुखी होकर के क्यों भगवान से बोलोगे उठा लो, बोलोगे क्यों? उठाने के तो बहुत सारे साधन हैं, चले जाना ट्रेन के नीचे, पकड़ लेना करंट, कूद जाना कुएं में, पी लेना हार्पिस, बहुत पड़ा घर में फिनाइल, किसी चीज की कमी है क्या ऊपर जाने के लिए, आपके पास कमी है क्या, बता दो कहीं कमी हो तो, है कमी किसी के पास? लेकिन कितना भी दुखी हो जाएगा वो पीने की चेष्टा किसको बोलेगा, हे भगवान तू, इसका मतलब तू उठाएगा तो कल्याण हो जाएगा, तू उठाएगा तो कल्याण हो जाएगा, और बाकी कोई भी उठाया तो, कितना बड़ा भीतर का विश्वास है, आप देखो शब्द कितना छोटा सा और कितनी दिल की गहराई से निकलता है, क्योंकि वह जानता है दुनिया के सारे सहारे बेसहारे हो जाते हैं तो केवल एक ही सहारा होता है, सब कोई भी हो एक स्वाइजेट लगता है अपने को ऐसा, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं भगवान को ही पुकारते हैं, और पुकारना भी उसी को चाहिए, अपनी कथा व्यथा भी भगवान को ही बताना चाहिए, दूसरे को अगर बताओगे
मौके पे नमक लिए बैठे रहेगा। क्या लिए बैठे रहेगा? मौके पे। ऐसे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मौके पे नमक चढ़ेगा। कितना सारा बचाया गया है। तो हे प्रभु, मैं भव से त्रसित हूँ, आकुलित हूँ, व्याकुलित हूँ, उसको मिटाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है। विमल चरण तुम, आपके चरण कैसे हैं? कैसे हैं? विमल, पवित्र, स्वच्छ, पावन, निर्मल। चरण को मान लिया, सलिल धार दे। कौन सी धारा? सलिल मतलब, सलिल मतलब पानी। सलीला बोलते हो ना नदी को भी, यह पानी का नाम है। धार दे पायो सहज उपायी, प्रभु पूजो रे। कितनी छोटी सी बात है, रोज जल चढ़वा रहे भगवान के पास। क्या चढ़वा रहे हैं? कुछ भी। कितनी सरल पूजन पद्धति है जैनियों में, ये देख लो आप। केवल एक चम्मच छोटी वाली भगवान के चरणों में चढ़ा करके कह दिया, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। इससे सस्ता सुंदर टिकाऊ कोई धर्म होगा? 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 कोई नहीं होगा। और करते रोज है, लेकिन विश्वास भीतर से नहीं है किसी को। बताओ, किसी को विश्वास है क्या? दिल से पूछना, दिल से पूछना। बस इतना है, किताब में लिखा है, महाराजों ने, पंडितों ने, शास्त्र पढ़ने वालों ने हमें बता दिया है, इसलिए हमें मंदिर आना है। और जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निर्वपामिति, कर देना। तो अभी हमारा धर्म जो है परंपरा से चल रहा है। किससे चल रहा है? परंपरा से चल रहा है, हार्दिकता से नहीं चल रहा। और जिन जिन ने परंपरा को बुद्धि में बदला है, उनके मन में प्रश्न चिन्ह उठने लग गया है कि भगवान को जल चढ़ा देंगे तो कौन सा भगवान खुश हो जाएगा। प्रश्न उठता है। ये सब महसूस करते रहो बस। और ये महसूस जब करते रहोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके पूर्वज में कितने भाव थे, आप में कितने बच्चे हैं, और आने वाली पीढ़ी में कितने शेष हैं, और आने वाले में और कितना है। देखते देखते आप पता लगा लो। अपने माता पिता को आप याद रखो, खुद की क्रिया को देखो, और आपके बेटे को देखो, आने वाले पोते को देखो, आपको कैसा क्रम लगेगा? कैसा क्रम लगेगा? घटता लगेगा या उठता लगेगा? कौन सा लगेगा? घटता लगेगा। कौन सा लगेगा? घटता लगेगा। तो यानी कि अगर भीतर से देखोगे तो धार्मिक भावनाएं, धार्मिक क्रियाएं घटी है या बढ़ी है? घटी है या बढ़ी है? बताओ, है? घटी है। धर्म की उत्सव प्रियता तो बढ़ी है। क्या बढ़ी है? धर्म की उत्सव प्रियता तो बढ़ी है, लेकिन धार्मिक क्रियाकलाप घटा है, भावात्मक घट गया है। लेकिन फिर भी जो चल रहा है वो किसी न किसी को याद दिलाता रहेगा कि हाँ भाई, ऐसी भी धर्म की क्रियाएं होती थी। इसीलिए एक एक द्रव्य चढ़ाते जाओ। बोलो भगवान से, ओम रीम नमो सिद्धाणम द्वात्रिंशत् गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमिष्टिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। जगबंदन पर सतपद चंदन माग भगा माग महाभाग उपजाए, हर हर आदि लोकवर उत्तम कर धरशी। क्योंकि आपको आवरण ही अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? आवरण ही अच्छा लगता है।
बिना आवरण के आप जी नहीं पाते, इसीलिए मूल ध्वनि कितनी बढ़िया दी है। हे भगवान जगवंदन, सारे तीन लोक के प्राणी आपकी वंदना करते हैं। क्या करते हैं और कैसे वंदना करते हैं? पर सत स्पर्श करके, क्या करके, किसका स्पर्श करके? पद किसका, इसी में लिखा है पद, यानी आपके चरणों की वंदना छू करके करते हैं। और क्या कह रहे हैं? चंदन। क्या कह रहे हैं? चंदन। अब इसी चीज को पकड़ करके कई भगवान के चरणों में चंदन भी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? स्पर्श चंदन। चरणन चंद लगे, पूजा में अक्सर करके ये पद पढ़ोगे, पढ़ोगे आप, क्या करोगे, पढ़ोगे ही पढ़ोगे। लेकिन बस ये कर दिया कि बाद में उसको वहीं छोड़ दिया, क्या कर दिया, भगवान के चरणों में ही छोड़ दिया, वहां से टेंशन प्रारंभ हो गया। चरणों की अर्चना, किसकी अर्चना? जल चंदन केसर दुग्ध सबसे करते हैं, करते कि नहीं करते? और समय काल के साथ सब चीजों में थोड़ी थोड़ी चीजें आती चली गई, आते आते इतनी गहरी हो गई है कि वो सारे के सारे टेंशन में हो गया है। किस में आ गया है? टेंशन में आ गया है। आप कभी कभी देखते हो कि ना, सुनते हो गए, महसूस करते हो गए। तो भगवान का जब अभिषेक करते हैं तो भगवान को जिस थाली में बैठाते हो उसके नीचे क्या बना देते हो? क्या बनाते हो? स्वास्तिक बनाते हो। बनाते हो कि नहीं बनाते? स्वास्तिक बना करके अभिषेक किससे करते हो? जल से करते हो कि नहीं करते? करते हो कि नहीं करते हो? आराम से कर लेते हो, आपको कुछ भी नहीं लगता है। और मान लो जिस कलश में जल है उसमें केसर घोल दो ज्यादा, और फिर अगर करने लग जाओ तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? नीचे से केसर ऊपर आएगा तो 13 पंथी, ऊपर से केसर नीचे जाएगा तो 20 पंथी। ये तुम्हारा पंथ है, ये मूर्खता है, ये क्या है? अब आप खुद सोचना केवल, और आपके मंदिर में रोज होता होगा, कदाचित कोई ऊपर से यू घोल करके ज्यादा डाल दे तो अभी लड़ने बैठ जाओगे, और नीचे से आ जाए तो? और अंतर क्या है आप बताओ, अब बताओ अंतर क्या है? अंतर है कुछ? किसका अंतर है? बुद्धि का नहीं, खोपड़ी का। किसका अंतर है? खोपड़ी जब खोपड़ा हो जाता है ना तो खोलने लगता है। मैं आप लोगों को सब बातें जानबूझ के बता, तो कहीं ना कहीं बात आएगी, मेरे बाद भी बात आएगी, पहले भी बात आएगी, और मेरे बाहर निकलने के बाद भी बात करते होगे, यार महाराज जी सब बातें क्यों बताते हैं? और मैं बताता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ जितनी कलुषताएं यहाँ पर हो गई है ना, उतनी कलुषता आपके घर में नहीं है। घर आज का, आपका घर ज्यादा शांत और अच्छा है, मंदिर गंदा हो गया है, इतनी गंदगी हम लोगों ने फैला दी। घर में आप सुकून महसूस करते हो, तुम कैसे भी घर में स्टैच्यू और तस्वीर लगा दो वो भाव पैदा नहीं होते झगड़ने के। सारी दुनियादारी में जीतो, यहां पर आकर के कैसे भाव आ जाते? कलह, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, इसके अलावा क्या है? हर चीज में। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है जैन शास्त्रों में, इतना अच्छा जैन शास्त्र है, इतना अच्छा है।
अश्रद्धा की परिणति कई बार उल्टी क्रिया करने में भी सीधा फल देती है। इसलिए कई जगह मूर्तियां निकली हुई है, जैन मूर्तियां, और खेतों में खड़ी है, पेड़ों के नीचे पड़ी है, और गांव वासियों की इतनी आस्था है कि पूरी पोताई करते हैं, कुछ भी करते हो, वो जैसे उनकी पद्धति है वो तो वो जाने, लेकिन कभी उनके जानवर खो भी जाते हैं ना, तो भगवान को पत्थर मार करके कहते मेरे जानवर मिल जाएगा तो फिर आपको मेवा चढ़ाऊंगा, और पत्थर मार करके जाते हैं और उनका काम होता है। ये कौन सा काम है? आस्था। किसका काम है? अब उनके मन में वो पत्थर फेंकना भी ईर्ष्या द्वेष और घृणा नहीं है भगवान के प्रति, है क्या? बोले नहीं, क्योंकि उनके क्रिया में भावना में ये चीजें आ गई। तो आप बताइए काम कौन सी चीज करती है? आस्था करती है, पुण्य करता है, क्रिया करती है, या इत्तफाक करता है? अब आप चारों चीजों में बता दो क्या करता है। आस्था करती है, क्रिया करती है, इत्तफाक करता है, क्या करता है, कौन काम करता है या पुण्य करता है? सब अपनी अपनी बातें बोलेंगे, जो जिसमें रुचि रखता है। आस्था वाला आस्था बोलेगा, कोई इत्तफाक बोलेगा, कोई बोलेगा पुण्य, कोई बोलेगा ऐसा करने से ऐसा। लेकिन क्या सच है भगवान जाने, मैं भी नहीं बताऊंगा क्या है, क्योंकि आप कहोगे आस्था तो सब पत्थर फेंक के मारे, आप कहोगे इत्तफाक तो सबको क्यों नहीं मिला, आप कहोगे पुण्य तो पुण्यात्मा तो सारे के सारे भगवान के पास है। होगा थोड़ी ना ऐसा, आप केवल कल्पना करना, बस क्या करना, कल्पना करते रहना, कल्पना में सारी बातें आती जाएगी आपके, तो आपको लगेगा कुछ नहीं है, कुछ इत्तफाक भी है, कुछ क्रिया भी है, कुछ आस्था भी है, और कुछ पुण्य भी है। जब चारों चीजें मिल गई तुम्हारा काम, तब तुम्हें क्या करना है, एक ही चीज पे ध्यान रखना है या चारों पे? बस इसी का नाम तो धर्म है। अब इसमें ऊपर और नीचे से पुण्य और पाप नहीं हो जाएगा, ऊपर डल गया तो पाप और नीचे से आ गया तो पुण्य, बोले नहीं, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम, बिल्कुल सहज जीव इसमें। देखो तो करो तो कुछ नहीं, जगवंदन पर सत पद चंदन महाभाग उपजाई। हे प्रभु मेरा महाभाग्य है कि मैं तो आपके चरण रज ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? क्या ले रहा हूं? चरण रज। मुनिराज का जब लेते चरण रज, तो पद चलते हुए जो धूल आ गई है वही उनकी चरण रज है। और शुद्धता में अगर हम लोग थोड़े से आगे, तो भगवान के चरणों में ये धूल को न लगा करके कह दिया चंदन। क्या कह दिया? वो चंदन लिया, भगवान का स्पर्श कराया और अपने मस्तक पर लगा लिया, और गहरी आस्था हो गई। कौन सी आस्था हो गई? और गहरी आस्था हो जाती है। लेकिन लगा के छोड़ दिया भगवान को, बोले वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा, ये स्थिति है बस, और इसमें कट्टरता आ गई, और कुछ भी। मैना सुंदरी 12 साल तक गुरुकुल में पढ़ती रही। कहां पढ़ती रही? श्रीपाल जी कुछ मालूम है? कछु मालूम नहीं, बोले महाराज बैठा तो दिया है अब श्रीपाल बना करके, अब जो होगा, ओखली में सिर रख दिया है तो मूसल से क्या डरना। हाँ तो वही तो कहना ना, ओखली में सिर रख दिया तो मूसल से क्या डरना। श्रीपाल मैना सुंदरी कभी मंदिर में रखा हो तो पढ़ते रहना, कोटि भट्ट श्रीपाल चरित्र, नाम उसका रखा हुआ है।
12 साल तक वहाँ पर पढ़ी और सारी की सारी क्रिया, लौकिक, व्यावहारिक, धार्मिक सब चीजों को समझ करके वो घर वापस आई। और घर वापस आकर के रोज अपने राज दरबार से निकलती और भगवान के मंदिर जाती, अभिषेक पूजा पाठ करती और अभिषेक पूजा पाठ करके प्रतिदिन अपने पिता पहुपाल के लिए गंदोदक लेकर के आती। क्या लेकर के आती? कथा में सुना है ना आपने, सुना है कि नहीं? पढ़ा भी होगा कई लोगों ने, तो पढ़ा है कि नहीं? रोज क्या लेकर के जाती थी वो? ये संस्कार निरंतरता के पड़ गए थे, क्योंकि उस समय का धर्म दूसरा था। पिताजी धर्म को मानते तो थे, लेकिन राजसत्ता में बैलेंस, एक बेटी वैष्णव में गई तो एक बेटी जैन शिक्षा ले रही, दोनों थी बेटी। गंदोदक लेकर के रोज जाती और पिताजी से कहती, पिताजी ये ले लो। क्या ले लो? गंदोदक। बेटा इससे क्या होगा? पिताजी को नहीं मालूम, बच्चे को मालूम है, क्योंकि बच्चा सीख करके आया है, पिताजी वो चीजों को नहीं सीखे। होता था ऐसा। और गंदोदक को लेकर के जब भी तो पिताजी पूछते हैं, पिताजी पूछते हैं तो तभी तो कहते, पिताजी ये भगवान के न्यवन का पवित्र जल है। तो जल कहां से लगा दिया भगवान को? मस्तक सब्जी कर दिया। जल कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय जीव है। चंदन कहां पर लगा दिया भगवान को? वो कितने इंद्रिय जीव है? वो भी कहां पर लगाया आपने? गंदोदक भी कहां लगाया? लगाते हो कि नहीं लगाते? जल पूरा का पूरा लगा करके कर दिया। अभिषेक जिसे कह दिया। क्या कह दिया? अभिषेक जिसे कह दिया। ये तो लोगों की मान्यताएं थोड़ी सी ऐसी आ गई कि लोग भूल गए शब्द को और बदल दिया। शास्त्रों में कौन सा शब्द आता था? जिनाभिषेक। और आपने कौन सा शब्द प्रचलित किया? जलाभिषेक। शास्त्रों में नहीं मिलेगा ये शब्द है, क्योंकि चार प्रकार के अभिषेक आ जाते हैं। कितने प्रकार के अभिषेक? जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक, जिनाभिषेक। कितने शब्द आते हैं? कितने आते हैं? कौन कौन से? जन्माभिषेक किसका होता है? तीर्थंकर बालक का। कहां पर होता है? सीधी सी बात सबको मालूम है ना। दूसरे नंबर पर वो किसका होता था? जिसको सिंहासन मिलता था। परंपरा में देखते हो ना आप, अब वो अभिषेक की जगह शपथ पत्र हो गया है। वर्तमान में राजतंत्र में वो अभिषेक था, प्रजातंत्र में शपथ पत्र, विश्वास। तीसरे नंबर पर कौन सा? दीक्षा लेने वाले सन्यासी को कराया जाता है। और चौथे नंबर पर क्या था? जिनाभिषेक शब्द था। कौन सा था? प्रचलित किसमें कर दिया? किसमें कर दिया? जलाभिषेक। और था कुछ नहीं, बदलते 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 वो रूढ़ हो गया। रूढ़ में वो झगड़ा हो गया। क्या हो गया? वो झगड़ा हो गया फिर जल में और पंचामृत में। किसमें किसमें झगड़ा हो गया? ये सब झगड़ा हो गया। वो जैसी लेकर के आए तो गंदोदक किसको दे रही है? पिताजी को दे रही है। किसको दे रही है? पिताजी इसे मस्तक पर लगाओ, नैनों में लगाओ, हृदय में लगाओ। क्यों बेटा? क्यों बेटा? सम्यक दर्शन आंखों में, सम्यक ज्ञान मस्तक पर, सम्यक चारित्र हृदय में। चारित्र हृदय से धारण किया जाता है, दर्शन भगवान का आंखों से किया जाता है, और ज्ञान दिमाग में होता है। तीन जगह गंदो निर्मलम, निर्मली करणम, पवित्रम पाप नाशकम। जब भगवान के न्यवन का गंदोदक पवित्र और पाप नाश में कारण है,
तो संस्पर्शित वस्तु आपके मनोभावों को बदलने में कारण बनती है। किसमें कारण बनती है? बदलने में कारण बनती है। इसलिए कई लोग ऐसे आपको दिख जाते हैं जो भगवान के चरणों को सामग्री स्पर्शित करा देते हैं शुद्धता के लिए। कई जगह देखते हो ना, करते हैं। ये सब केवल भावनात्मक संबंध था। कौन सा संबंध था? भावनात्मक संबंध था। उसको हम लोगों ने किसमें ले लिया? पंथात्मक संबंधों में ले लिया। किसमें ले लिया? गिर कितना बढ़िया था। और गंधोदक पुरानी महिलाओं को भी हम लोग देखते थे, तो जब मंदिर आती थी तो छोटे से डिबिया लेकर के आती थी और गंधोदक मंदिर से ले जाती थी घर। आजकल की नहीं ले जाती है, इक्की दुक्की होगी तो होगी, कहां फुर्सत उसको। और ले जाती थी गंधोदक अपने डिब्बे में, और जो घर का सदस्य मंदिर नहीं आता था जबरदस्ती उसको, और बच्चों को तो खास करके जबरदस्ती आंख में लगाया, मस्तक पर लगाया, जा बेटा तू सुखी रह, भगवान का आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद है? भगवान का आशीर्वाद है। इतना बढ़िया रूप था, आपके घर से भी नहीं आता, आप अपने घर में ले जाओ, जितने भी सदस्य हैं, भोजन करने के पहले ले लगा, शाम को आया तो शाम को दो, 24 घंटे की मर्यादा तो क्या है, गंदो तक लगा, नहीं भी मन होगा तो भी एक बार लगाएगा। और जिस दिन तुम्हारा उत्साह, क्या, जिस दिन तुम्हारा उत्साह अभिषेक देखने के बाद गंधोदक लेने के लिए हो गया, झपट पड़ो मांगो कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। गंधोदक को मांगने में संकोच मत करना। और तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम धोती दुपट्टा पहन करके खुद गंधोदक बनाने लगना, और आगे भाव बढ़ जाए तो, उतना आगे भाव नहीं बढ़े तो मैं उससे चूक ना जाऊं। हाथ फैलाना। क्या फैलाना? भगवान की गंधोदक को हाथ फैलाना, दुनिया से भीख मांगने को नहीं, दुनिया से उधार लेने को नहीं, दुनिया से प्रसाद मांगने को नहीं, भगवान से भगवान का गंधोदक मांगना भीख मांगना नहीं है, श्रद्धा अभिव्यक्त करना है। क्या अभिव्यक्त करना है? श्रद्धा अभिव्यक्त करना है। और लेकर के फिर तुम लगाओ, फिर धो, वो पवित्रता होगी। और वो पवित्रता रोज मैना सुंदरी जाती और गंधोदक देती, और जैसी गंधोदक देती तो एक दिन पिता श्री पहुपाल निपुण सुंदरी से कहते हैं, बिटिया तो जवान हो गई है, इसका कहीं ना कहीं विवाह कर देना चाहिए। बिटिया पवित्र काम कर रही है, और उधर भाव पैदा हो गया। और जैसे ही भाव पैदा होता है, ठीक है बात करके देख लो, बेटी मैना तेरी बड़ी बहन सुरसुंदरी का विवाह तो उसके इच्छित वर से कर दिया, अही क्षेत्र की राजा अरिदमन के पुत्र के साथ कर दिया है। बेटा तेरी भी शादी करनी है, तेरे मन में अगर कोई सम्राट हो, कोई व्यक्ति हो तो मुझे बता दे, वहीं पर शादी कर लूंगी, कर दूंगा। मैना सुंदरी झट पिताजी को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती, पिताजी कुलीन घर की कन्या अपने आप वर को नहीं छाटती है, आप जहां विवाह कर देंगे वही मुझे स्वीकार है, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और पिता अपने पुत्र पुत्री का कभी भी बुरा नहीं सोचे। दोनों जगह की स्थिति देखो, एक ने कह दिया मैं तो राजा अरिदमन के पुत्र से करूंगी, और दूसरी कह रही है आप जहां पर कर दोगे, कितना विश्वास, कितना विश्वास। कोई छटनी नहीं, कोई बात नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, विश्वास। ये तो अब मिलाने लग गए हो कुंडली, पहले कौन से मिलती थी, कितने प्रकार के विवाह थे, आप सोचो सोचो है? स्वयंवर होता था, बैठा दिया राजा को बुला करके, सारे राजा, पिता ही बुलाता था, और फिर कन्या का मन जिसमें होता था उसमें डाल देते थे, पिता द्वारा स्वीकृत होता था वो सम्राट, अगर पिता की स्वीकृति नहीं है तो वो सम्राट आता भी नहीं था, वही निमंत्रण पत्र देता था। यानी कितना बड़ा विश्वास। और कौन सा कुंडली देखती थी,
वैभव देखा, परिवार देखा, उम्र देखा, चीज देखी और अपने मन से ही कैसी कैसी पद्धतियां थी। देखो आप शास्त्रों को पढ़ोगे तो, और सारे के सारे कौन थे, कोई अजैन थे कि जैन थे, महावीर को आदिनाथ को मानने वाले थे कि नहीं थे। अब ये सब चीजें कहां से आई, अब ये सब चीजें कहां से आई, इसका मतलब कोई ना कोई परिवर्तन आया है इतिहास के साथ, वो जीवन में प्रवेश कर गया। और जीवन में प्रवेश कर गया तो मामला बदल गया। जैसी अब उसको बोलती है तो वो परेशान हो जाते हैं कि अरे क्या करें, ये तो बेटी बोल करके चली गई। फिर दूसरे दिन आई, माता जी कहती है उसके निपुण सुंदरी, बेटी अब बोल रहे हैं वो तो देख ले। माँ को भी उसने टोक दिया। फिर जब गंधोदक देने गई तो फिर पिताजी ने बोल दिया, बेटी जल्दी बता दे। बोले पिताजी जहां आप करोगे मेरे भाग्य में जो होगा, जहां आप करोगे मेरे भाग्य में। और एक सहज शब्द थे, यही तो होता है एक विश्वास, और विश्वास में भाग्य काम करता है। क्या काम कर जाता है, पुरुषार्थ में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हो, भाग्य में कोई भी बदलाव नहीं आता है, यह विशेषता है। और वर्तमान में जो भी तुम्हारा भाग्य जगेगा किसी ना किसी पुरुषार्थ से जगेगा, बिना पुरुषार्थ के सम्यक दर्शन भी पैदा नहीं हो रहा है। पुरुषार्थ क्या है, निसर्गज और प्रतिगमज। कह तो दिया, बोले तो भाग्य का खाती है क्या कि मैं तेरे को खिला रहा हूं। अब हो गया टेंशन बाप बेटी में, किसमें हो गया, बाप बेटी में, पिता पुत्री में टेंशन हो गया। हाँ पिताजी मैं तो भाग्य का ही खाती हूं, क्या मैंने इतना पढ़ाया लिखाया और राज दरबार में तू है तो मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। बोले ना मेरे भाग्य में था तभी सारा मिला, शिक्षा की अति बुद्धि का प्रयोग कभी कभी हो जाता है। किसका प्रयोग हो जाता है, शिक्षा अति बुद्धि का प्रयोग। और जहां अति बुद्धि का प्रयोग होता है वहां घर में आप देख लो माता पिता पिता पुत्र में विवाद होता है। आप देखते होगे घर में, महसूस करते होगे, जहां बोलने वाली बेटी हो गई बहस करने वाली माता पिता से, तो फिर मामला बदल जाता है। और जहां अपनेपन से जीती है वहां आप देखो चिंता दोनों में माता पिता को होती है, लेकिन दोनों चिंताओं का रूप अलग अलग होता है। भाग्य का खाती हो, भाग्य का खाती हो, तो ठीक है भाई भाग्य का खाती हो। सोच ले एक बार और, हाँ पिताजी मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। बोले आप क्या कर रहे हो, मेरा भाग्य था इसलिए आप मिले, आपका भाग्य था इसलिए मैं मिली। जब तक भाग्य है तब तक राजसत्ता है, जिस दिन भाग्य पलट जाएगा उस दिन पता नहीं पड़ेगा। और फिर उदाहरण देना चालू, क्या देना चालू, उदाहरण देना। आज के बच्चे भी तो दे देते हैं, है? कहीं ऐसी बिटिया इधर उधर चली जाए और कहने लग जाए ये तो है, बोले मैं तो उससे कुंडली मिलवाई थी मिलता नहीं है, तो वो तुमसे ज्यादा तेज है। बोले मैं पहले मिलवा चुकी, इतने गुण मिल रहे हैं तो काय को बता रही मेरे को। कुछ नहीं चलता आजकल, एकदम इतने तेज है, फास्ट हमसे चार कदम आगे हैं। और ये स्थिति दुनिया की है, तो घरों में जो है उनको पता लगता है। तो जो कुछ भी तेरे भाग्य के, बोले हाँ पिताजी भाग्य का तो देखो वो छिपकली है, वो मकड़ी है, क्या उसको आप भोजन करा रहे हो कि वो अपने भाग्य से कर रही, अपना जाला बनाती है और अपने आप ही उसमें जीव फंसते हैं और उसका खुराक मिल जाती है। तर्क तो ठीक था, भाग्य के तो खाया है, पत्थर को उठा रहा, पत्थर के नीचे कीड़े निकल गए, क्या आप इसको दाना पानी दे रहे हो। बोले नहीं, किससे खा रहा है ये, अपने भाग्य का खा रहा है। किसका खा रहा है, तो बात तो सच, और भाग्य का तो है, लेकिन भाग्य के साथ अगर पुरुषार्थ जुड़ जाता है तो भाग्य में चमक आ जाती है। क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। आपके भाग्य में खानदानी रूप में दाल रोटी तो है, लेकिन तुम पढ़ लोगे लिख लोगे आगे बढ़ जाओगे तो उसमें चमक दे दोगे, रोटी की जगह पराठा मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, साइकिल की जगह बाइक मिल जाएगी, क्योंकि मेहनत करके तुमने
देखता हूं तेरे भाग्य को। झगड़े होने लगे। मंत्री कहता है, राजन बिटिया की क्या, आपके घूमने का समय आ गया है। राजा घूमने के लिए निकल जाता है और घूमने के लिए जैसे निकलता है तो पता पड़ता है गांव के बाहर ही बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। बोले, ये कोलाहल कहां से आया? बोले, पता नहीं, कहीं से लोग आए हैं, 1500 लोग हैं, यहीं पर टिके हुए हैं। राजा सोचता कौन है, पता करो जा करके। जाते हैं, बोले, अरे वहां तो बड़ी दुर्गंध आ रही है। क्या बात है? बोले, कोई रोगी रोगी लोग आए हैं, कोड़ी लोग हैं, और थोड़ा गांव के बाहर अभी विश्राम करेंगे, भोजन पानी करेंगे, फिर ये आगे बढ़ जाएंगे। बोले, कोड़ी है, कौन है पता तो करो। जैसी राजा भेजता है अपने मंत्री और सैनिक को तो पता करते हैं, वहां पर तो अंदर जाकर के देखे तो एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, दूसरी चवर कर दे। बोले, कौन है? बोले, उज्जैनी नगरी वीर दमन का बेटा श्रीपाल है। कौन है? कोढ़ हो गया है, सम्राट का पुत्र है, कोढ़ी हो गया, इसलिए उसे तो गांव छोड़कर के बाहर निकलना पड़ा। राजा पहुपाल सोचने लगता, ठीक है, बड़े भाग्य भाग्य चिल्ला रही थी ना, यही ठीक है। क्या चिल्ला रही थी? भाग्य भाग्य चिल्ला रही थी, यही महाभाग शब्द आया। क्या शब्द आया? महाभाग उपजाई। भाग्य में भी जब महाभाग्य होता है तो कभी कभी उल्टा काम सीधा करवाता है, जिसे आप कहते ठोकर लग करके रक्त मिल जाता है। सड़क चलते ठोकर लगी तो गुस्सा, ये पत्थर ने मेरे को ठोकर लगी, और पत्थर को उखाड़ के किनारे किया तो पता पड़ा नीचे क्या निकल गया, मटका निकल गया। होता है महाभाग्य जब होता है तब ठोकर लग करके भी तकदीर। बहुपाल के मन में गुस्सा था, भाग्य का खाती है तो चला गया। बोले, ठीक है, इसी का भाग्य। बोले, कौन है तू? उम्र का भी छोटा है, राजा का भी बेटा है, अभी रोगी हुआ है तो क्या हुआ? चल, इसी से मैना सुंदरी का क्या कर दें। देखो, जब कर्मोदय आता है तो अपने माँ बाप भी उल्टा सोचने लग जाते। जित अहंकार, कभी पिता पुत्र कहा जाता है, कभी मां पुत्र कहा जाता है, कैसे कैसे दुनिया में स्थितियां आ जाती है। ये स्थितियां उनकी जीवन का मोड़ कहां से कहां पहुंच गया। घर में आकर के कहता, मैंने वर ढूंढ लिया इसके लिए। निपुण सुंदरी कहती, नाथ कहां ढूंढ लिया? बोले, ही नगर के बाहर ही है, जल्दी से पंडित को बुलाओ, पंडित जी मुहूर्त निकालो। बोले, ये तो मुहूर्त तो आज का ही बहुत अच्छा है, मुहूर्त तो निकल जाते, विवाह की तैयारी कर लो। क्या स्थिति बनी होगी कभी कल्पना करना। कथा कथा है, कथा तो कथा है, उसकी व्यथा है, लेकिन व्यथा में उसका साहस देखो, पिता का जिद देखो, पुत्री की हट देखो, उसका भाग्य देखो, कहां से कहां बात। बातों बातों में इधर सब लोग मना कर रहे हैं, लेकिन राजा को जिद आ गई, ये अपना भाग्य का खाती है तो मैं भाग्य दिखाऊं, और पुत्री को जिद आ गई, मैं तो अपने भाग्य का ही। अब जहां दो हटीले मिल जाएं, वो क्या होगा, क्या होगा? घर में देख लो, दो हटीले मिल जाएं तो क्या होता है? समाज में देख लो, दो हटीले मिल जाएं तो क्या होता है? राज्य में देख लो, दो हटीले मिल जाएं तो क्या होता है? सोचो, सोचोगे तो पता पड़ेगा कि हट कई बार अच्छी भी होती है तो कई बार बहुत बुरी हो जाती है। ये दुनियादारी है। तो उधर एक तो क्या था, राजहट। कौन सा हट था? राजहट। और इधर क्या था? बालहट। कौन सा हट? बालहट। अभी त्रिया नहीं बनी, वो बाल हट भी है, राज हट भी है, त्रिया हट भी है, साधु हट भी है। साधु को भी हटीला कहा है। अगर कोई धुन चढ़ जाती है साधु को तो फिर वही होता है, ये धुनी होते हैं। बाहुबली को हटी कहा गया, किसको? बाहुबली को धुन चढ़ गई,
जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, न तेरे गांव में घूमूंगा, न तेरे गांव का खाऊंगा। भरत चक्रवर्ती का गांव था, देखो आप। और ये सोच के एक साल गुजार दिया, और जैसी ब्राह्मी सुंदरी गई और कहती है, दिमाग से कचरा निकल गया, एक मिनट में केवल ज्ञान हो गया। होता है, और किसके कब कैसा हो जाए कुछ पता, सोचोगे तो आपको कौन कौन सी हट हो गई, राजहट, बालहट, त्रियाहट, साधुहट, पांचवा कौन सा, चलहट, सबसे खराब, सबसे खराब कौन सा है, और आजकल ये चलता चलहट चुटकी में काम निपटाता है। जब से ये हट आया है, बाकी हट का कोई पता पता भी, राजा का भी ऐसे हो जाता है, जरा हटीला वो चलहट, सत्ता चल रही है ना, पता नहीं कब मूड आ जाए जनता का चलहट, तो राजहट काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा, चल हट काम कर जाएगा, क्योंकि फिर भीड़ के पास कोई बुद्धि नहीं होती, भीड़ के पास बुद्धि। दोनों ने जिद्दी में वो काम विवाह कर लिया, लेकिन जैसे ही विवाह करके लौट के आता है, देखता है पूरे गांव का वातावरण तो रुदन का, किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं, कोई राजा को दाद नहीं दे रहा। निपुण सुंदरी भी देख रही है कि जिद्दी के कारण कर तो लिया, लौट करके आया, निढाल होकर के पड़ा है। निपुण सुंदरी पहुंचती है, नाथ क्या कर दिया, जैसी ये बोलती है तब उसको एहसास होने लग जाता है कि हाँ मुझसे, अब रो रहा है पीट रहा है, अब रोने पीटने से क्या होगा। अब वो बोल रहा, अगर तो पहले थोड़ी जिद्दी हो जाती, बेटी को अपने ननिहाल भेज देती, तो मेरे को डांट देती, होने नहीं देती। बोले उस समय तुम सुन कहां रहे थे, तुम तो अपनी चला रहे थे, लेकिन अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। ये स्थिति कई बार होने के बाद आदमी को पछतावा होता है कि बहुत अच्छी चीज मेरे हाथ में आई थी, लेकिन मैंने अपने हट धर्मिता के कारण से, अहंकार के कारण से सब पर पानी फेर दिया। लेकिन अपन तो चंदन लगा रहे हैं, पानी नहीं फेर रहे, क्या लगा रहे हैं कि कुल्हाड़ी पे भी अगर वृक्ष में मारो तो कुल्हाड़ी के मुख को भी सुगंधित, हे भगवान अगर कोई हमारा बुरा भी करता है तो हम उसका क्या करें, अच्छा करें, क्या करें, अच्छा करें। हरि हर आदि लोकवर उत्तम, कर थर शीश चढ़ाई, हे प्रभु आपके चरणों की वंदना करते हुए कर थर शीश चढ़ाई, उस चरण रज को, उस चंदन को मैं अपने मस्तक पर चढ़ा रहा हूँ और आपके चरणों में भी अर्घ समर्पित कर रहा हूँ। ओम रीम नमो सिद्धाणम द्वात्रिंशत् गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्ठेभ्य संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति। शिव नायक पूजन लायक तुम यही महिमा अधिकाई, अक्षे पद दायक अक्षत ये साचो नाम धराए, प्रभु पूजो रे भाई सिद्ध चक्रवर्ती गुण तुम पूजो रे भाई। ओम रीम नमो सिद्धाणम द्वात्रिंशत् गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्ठेभ्य अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति। कामदाह अति ही दुख कामदाह अति ही दुखदायक मम और से न टराए, ताहि निवारण पुष्प भेंट धरि मांगो भर शिविराए, तुम पूजो रे भाई सिद्ध चक्रवर्ती गुण तुम पूजो रे भाई। ओम रीम नमो सिद्धाणम द्वात्रिंशत् गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्ठेभ्य ब्राह्मण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। शरु पर प्रचुर छुदा नहीं मेटे प्रचुर पुष्प पथ कर निति रमे चल प्रचुर साधे दुखे दिखे गोनी पे थोपा तन दीपे पाले हो चाले थोपा यन यशायन फल बरे तन धर्मे अंग समोह बोज कर्म दर सब दर मले चौकड़ी दो हम शुभपति
अद्भुत प्राप्ति जनाली मंत्रो भक्ति स्वाहा चेतना सीत देहे ओम प्रिय परम शुद्ध चेतनाय नमः Oh, okay.
सजे महावीरा के रस बुलगर भजे बिन बंधन को अगन गण कौन है सकल गुण दास के पास के कौन है మధ్యలో సంబంధి Yeah.